फिल्म धारावाहिक अभिनेता मेघनाथन का निधन हो गया है। आपको बता दें कि उन्होंने 60 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक्टर सांस की बीमारी के चलते अभिनेता को कोंझिकोड के बीबी मेमोरियल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन सुबह 2 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसे में चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर सर्दियों के दौरान सांस की परेशानी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है और सांस की बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति या अस्थमा के मरीजों को सर्दियों के दौरान क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। देखिए, सबसे पहले सर्दियों में पॉल्यूशन और धूल मिट्टी की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। धूल और मिट्टी के संपर्क में आने से जितना हो सके बचें, क्योंकि इससे आपकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। सर्दियों में अक्सर लोग लकड़ी इत्यादि को जलाते हैं, आपको ऐसी जगह से भी दूर रहना चाहिए। साथ ही कोशिश करें कि आपके बिस्तर साफ सुथरे हों, जिन पर धूल बिल्कुल भी न जमने पाए। वहीं स्मोकिंग तो किसी भी मौसम में अच्छी हैबिट नहीं है, लेकिन सर्दियों में अस्थमा के मरीजों को खास तौर से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वे तो इससे दूरी ही बनाए रखें। अस्थमा पेशेंट या अगर आपको सांस संबंधी कोई और परेशानी है तो इस मौसम में बॉडी को सही से ढक कर रखें। साथ ही खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन भी आपके लिए जरूरी है। गिरता तापमान आपकी तकलीफ को बढ़ा सकता है, इसलिए शरीर को ऊनी कपड़ों से बचा कर रखें। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग कम पानी पीने लगते हैं, जिस वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। पानी की कमी से फेफड़ों में बलगम जमा होने लगता है, जो आपकी अस्थमा की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। साथ ही सांस के मरीजों को रूम फ्रेशनर या परफ्यूम जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। इनके संपर्क में आने से आपको अस्थमा अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।